क्योंकि क्या है ना कि कई बार हम दूर से किसी को देखते हैं, देख करके सोचते हैं कि हाँ यार ये बंदा स्टेज पे खड़े होकर के अगर इतनी सारी बात कर रहा है तो ये परफेक्ट होगा. बिलीव यू मी, नोबडी इज परफेक्ट. इंस्पिरेशन सबको चाहिए, चाहे वो मैं हूँ, चाहे आप हो, चाहे कोई भी है. इसीलिए ये सब कुछ हो रहा है, इसीलिए ये सब कुछ करा जा रहा है. तो टुडे व्हाट आई डू इज, अभी मैं आपको शॉर्ट में 3 कहानियां सुनाऊंगा, रियल लाइफ स्टोरीज अपनी लाइफ की, जिसके अंदर मैसेज छुपा हुआ है कि अगर कुछ भी आप करना चाहते हो, कुछ भी जो मैंने किया उससे 1000 गुना बड़ा, एंड दैट कुड बी एनीबॉडी, चाहे वो आप हो, चाहे आप हो, चाहे आप हो, चाहे आप हो, चाहे कोई भी है, आप करना चाहते हो तो आप कर सकते हो अगर आपको ये कहानी समझ आ जाए तो. एंड यू विल से आफ्टर दिस स्टोरी कि हाँ ये बात मुझे पता थी, मैं कोई नई बात नहीं बताने वाला. ये पूरी सुनने के बाद में आप कहोगे हाँ यार ये तो बात सही है. फिर मैं अब आपसे पूछने वाला हूँ बैठ करके यहाँ तसल्ली से कि भाई कर क्यों नहीं रहे. कर क्यों नहीं रहे, बिकॉज जब आप बोलोगे तो वो आप नहीं बोलोगे, वो इंडिया बोलेगा, वो इंडिया की पॉपुलेशन बोलेगी. द विजन इज नॉट टू डू अ हॉलीडे और अ पिकनिक और वट एवर, द विजन इज टू ब्रिंग अ चेंज इन इंडिया. वो तब आएगा जब वो कॉन्वर्सेशन होगी. अगर वन वे में स्टेज पे खड़ा होकर के बोलता रहता बोलता रहता बोलता रहता तो क्या होता, वो चलता रहता, इट वॉज अ नेवर एंडिंग प्रोसेस. तो वो 3 कहानियां जिसमें मैं आपको अपनी भी कमियां बताऊंगा कि जहां पर मैं गलत हुआ लेकिन सामने वाला बंदा सही था. इनफैक्ट आप इस कहानी से बड़े आराम से रिलेट कर सकते हैं क्योंकि इन तीनों में से कोई ना कोई एक जगह पर आप आज की डेट में आज उस सिचुएशन में होंगे. पहली कहानी मेरे एक ऐसे दोस्त की जो एक अच्छी मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करता है, बहुत सालों से कर रहा था, और अंदर ही अंदर जब भी मैं उसके साथ में वॉक करता था और होता था, पहले तो शुरू में जब मैंने काम करना अपना स्टार्ट किया था, बिजनेस अपना ये फोटोग्राफी का और ये सब बहुत छोटे लेवल पे, तो ही यूज़ टू क्रिटिसाइज मी. एंड वो बोलता था कि यार ये क्या बेकार की चीज़ें कर रहा है, ज़रा वही अपना ग्रेजुएशन पूरी कर, आगे MBA कर मेरी तरह जैसे मैंने किया, और फिर आगे जॉब कर, ये कर, वो कर, वही जो टिपिकल एक अपना प्लान होता है, माइंडसेट होता है. लेकिन धीरे धीरे दोस्तों में क्या होता है, एक मज़ेदार चीज़ क्या मैंने देखी अपनी लाइफ में, जो जितना ज़्यादा अगेंस्ट था उन्होंने उतना ही मुझे अपना आइडल बना दिया. राइट, ये बड़ी मज़ेदार चीज़ें होती हैं. कुछ लोग होते हैं जो न्यूट्रल होते हैं, वो न्यूट्रल ही रहते हैं पूरी लाइफ के लिए. कुछ होते हैं जो आपको पॉजिटिव होते हैं, वो पॉजिटिव ही रहते हैं, वो बाद में जाकर के पूरा क्रेडिट ले लेते हैं, अरे मैंने तो पहले ही कहा था ये तो करने वाली है, करने वाली है, दैट इज़ गुड. ठीक है, क्योंकि एक्चुअल में उनका हाथ भी होता है, क्योंकि कोई एक पर्सन चाहिए होता है, कोई एक कहीं ना कहीं तो चाहिए होता है ना जो आकर के बोले कि हाँ यार तू कर सकता है. बस इतना ही बोलते बहुत होता है, बहुत होता है. 8th स्टैंडर्ड में जब मैं था तो एक मेरी मॉरल साइंस की टीचर थी, तब तक आई वॉज अ बिग लूजर, सच अ लूजर 10th स्टैंडर्ड तक, जब मैं किसी से बात नहीं कर पाता था. इनफैक्ट रोजरी स्कूल से अगर कोई आ करके मेरे को यहाँ देखेगा तो दे विल फील कि यार ये कौन सा संदीप है, पता नहीं कौन है, कहाँ से आया है. बिकॉज वहाँ पर ना मेरा कोई सर्कल होता था, ना कुछ होता था, कोई भी आता था मेरे को मार पीट के चला जाता था, जैसे लड़कों में होता है, जिसका कोई ग्रुप नहीं होता है ना, जो अकेले अकेले लंच करता है. उस टाइम पे मेरे जैसे लड़के को एक मॉरल साइंस की टीचर थी, जिसका नाम आज मुझे याद नहीं है, मुझे ये याद नहीं है उसने किस बात पे मुझे बोला था, बट मुझे अभी भी याद है मैंने कुछ बोला था, मुझे नहीं पता एग्जैक्टली मैंने क्या बोला था, और उन्होंने बस इतना बोला था संदीप तुम एक दिन बहुत आगे जाओगे लाइफ में, कुछ करोगे. मुझे वो अभी तक याद है, और आई एम श्योर कि अगर आप भी अपनी लाइफ को रिकॉल करने की कोशिश करें, कभी ना कभी आपको किसी ने कुछ बोला होगा, कुछ ना कुछ किसी ने ऐसी चीज़ बोली होगी जो जा करके अंदर हिट हो जाती है, और जो जा करके वो चीज़ लग जाती है. सो जो मैं अपने उस फ्रेंड की बात कर रहा था, जब मैं आगे निकल गया लाइफ में, तो जहाँ वो मेरे को क्रिटिसाइज़ करता था या मेरे को गाइड करता था आकर के कि ये कर ये कर ये कर, जो मैं कर रहा हूँ वो कर, उसने मेरे को देख करके एक ऐसी स्टेज आ गई जब वो अपनी लाइफ से, मतलब वो शायद इतना फ्रस्ट्रेट नहीं भी था, लेकिन मेरे को देख करके और ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो गया, क्योंकि उसको लग रहा था कि संदीप पता नहीं कितना खुश है. तो वो जॉब छोड़ने का सोचता रहा. एक दिन उसने आकर के मेरे से डिस्कस कर ही दिया पूरा खुल के कि संदीप भाई मैं भी तेरी तरह कुछ करना चाहता हूँ, कुछ बनना चाहता हूँ, कुछ करूँगा, ये वो व्हाटएवर. तो मेरे अंदर एक अजीब सी एक चीज़ है जो आई थिंक ज़्यादातर लोगों के अंदर होती है, कि जब भी कोई आता है तो एक अंदर से जब कोई आकर के बोलता है ना कि हाँ यार मेरी कोई हेल्प करो या मुझे बताओ कि क्या करना है, तो हम एकदम से हमारे अंदर कुछ आता है और हम आगे आ जाते हैं. आई एम श्योर ऐसा कितने लोगों के अंदर है, हाँ ऑलमोस्ट सबके अंदर है, होता ही है. कोई फ्रेंड प्रॉब्लम में आया, गलती से उसने फोन कर दिया, हाँ भाई फिर ब्रेकअप हो गया तेरा, आ जा. तो अंदर ही अजीब सी खुशी मिलती है ना, एक अलग सी फीलिंग आती है कि यार चल ठीक है, ब्रेकअप के टाइम में उसने मुझे याद किया. एक तरफ दुख हो रहा होता है, एक तरफ खुशी हो रही होती है. एनीहाउ, सो जब उसने मेरे को बोला आकर के कि संदीप मैं कुछ करना चाहता हूँ, मैंने जान लगा दी, पूरी जान लगा दी.
मुझे पूरा विश्वास था कि वो कुछ ना कुछ कर जाएगा। मैंने उसको बोला कि हाँ भाई तू करेगा। उसने अपना पूरा बिजनेस का बताया, उसने अपने इंटरेस्ट के बारे में बताया, मेरा इस चीज़ के अंदर इंटरेस्ट है, मैं ये ऐसे कर सकता हूँ, ऐसे कर सकता हूँ, मेरी ये स्ट्रेंथ्स हैं। तो उसने अपना, मैंने और उसने बैठ करके अपना कई दिन लगा करके, कई घंटे लगा करके, पता नहीं कितने दिन तक हम लोग लगे रहे साथ में, उसके साथ में पूरा पेपर प्लान पे बना के, पेन ले करके प्लान बनाया, करा, सारा कुछ लगा दिया। और मैंने उसको बोला मैं तेरे साथ आधी रात को भी बैठा हूँ, ये तेरे को कोई प्रॉब्लम आई ये काम शुरू करने के बाद भी तो मैं तेरे साथ हूँ, किसी तरह की कोई प्रॉब्लम आई। उसने प्लान ले लिया और वो कुछ नहीं कर पाया, वो फेल हो गया। ही फेल्ड मिजरेबली। शुरू से ही उसके अंदर एक डाउट सा था, जब मैं उसको बोलता था ना कि हाँ ये कर ले, ये कर ले, ये कर ले, बोल दो, मैंने उसको बोला, मैंने कहा अगर तेरे को श्योरिटी हो, तेरे अंदर दिल में हो कि हाँ मुझे करना है, तभी करियो, मेरे कहने से मत करियो, खुद तेरे अंदर हो तो। बट ही टुक द प्लंज एनी फेल। ये थी पहली कहानी। दूसरा, मेरा एक कजिन ब्रदर, इज अ कजिन ब्रदर ऑफ माइन, ही केम टू मी। उसने अपना एक प्लान डिस्कस किया, वो भी कहीं पर जॉब कर रहा था, बहुत छोटे लेवल पे। उसने पूरा डिस्कस किया कि मैं जॉब छोड़ करके अपना एक बिजनेस करना चाहता हूँ और बहुत छोटी सी इन्वेस्टमेंट से मैं इसको शुरू करूँगा और ऐसे 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 करूँगा। मैं उसके साथ बैठा एक दिन आराम से, मतलब 3-4 घंटे उसके साथ में बैठा कैफ़े में जा करके, पूरा प्लान उसका समझा, सब कुछ, अपना पूरा दिमाग लगाया, अपना पूरा एक्सपीरियंस लगाया। और मैंने कहा कि ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये सब बेकार का प्लान है यार, तू क्या बोल रहा है, कैसे होगा। मेरा जो अपना एक्सपीरियंस था लाइफ का, उसके अकॉर्डिंग दैट वॉज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। उसके अकॉर्डिंग वो चीज़ नहीं हो सकती थी, जो वो बात बोल रहा था वो प्रैक्टिकल नहीं थी, मेरा दिमाग उसको हजम नहीं कर पा रहा था। मैंने उसको मुंह पे उसके बोला, मैंने कहा नहीं यार रहने दे, तू नहीं कर पाएगा, अभी 2-3 साल और जॉब कर ले। उसने छोड़ दिया। उस दिन के बाद वो मेरे पास आया भी नहीं, उसने ना मेरे से कोई सपोर्ट मांगा, ना मुझसे कुछ बात करी, आज वो बहुत सक्सेसफुल है। स्ट्रेंज, मैं फेल हो गया, वो सक्सेसफुल हो गया, पहले वाले में भी मैं फेल हो गया, राइट, क्योंकि मुझे लगा था कि वो कर जाएगा, वो नहीं कर पाया। दूसरे वाले में मुझे लगा था कि वो नहीं कर पाएगा, लेकिन वो कर गया और आज बहुत सक्सेसफुल है। मैं आज उसको देखता हूं तो दिल से देख करके बहुत खुशी होती है, बहुत अच्छा लगता है कि हाँ यार वो कर गया। लेकिन दूसरी तरफ अपने ऊपर हंसी भी आती है कि मैं कितना बेवकूफ हूं यार, है ना। तो सोचो अगर मैं आपको ये बात बता रहा हूं कि मैं इतना बेवकूफ हूं, तो कोई भी अगर आकर के आपको ये बोलता है कि आप नहीं कर पाओगे तो किस बेस पे बोल रहा है, हाँ कोई बता सकता है आपको, अपने एक्सपीरियंसेस के बेस पे जो उसके आपके एक्सपीरियंसेस से बिल्कुल अलग हैं, तो कैसे आपको बता सकता है कोई आकर के कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, कोई कैसे बता सकता है। तीसरा एग्जांपल, दिस इज समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग, यहाँ मैं जीत गया फाइनली। मेरा कजिन ब्रदर, वो 12th उसने अपनी पास करी, वो अपना फुल मज़े में रहने वाला, अपनी ज़िंदगी जीने वाला खुल करके, तो उसके अंदर से था कि नहीं भैया मुझे कुछ करना है, मुझे कुछ करना है। मेरे दिमाग ने कहा कि वो नहीं कर पाएगा, उसमें ऐसा क्या है, क्योंकि उसमें क्या, उस टाइम पे मेरे में ही कुछ नहीं था। आई वॉज अ काइंड ऑफ अ फोटोग्राफर जिसने 2 हफ्ते का कोर्स किया था फोटोग्राफी में, फोटोग्राफी एकदम बेकार, मतलब शुरू शुरू में जब मैंने स्टार्ट किया था तो मैं अगर किसी का शूट कर देता था तो वो 4 दिन बाद आके मेरे को गाली देता था कि क्या क्या आपने फोटो खींची है, कितना बेकार शूट किया है। मतलब मैं खुद ऐसा फोटोग्राफर था तो मैं किसी को क्या सिखाता, उसने कहीं से कोर्स नहीं किया, कुछ नहीं किया, मुझे जो थोड़ा बहुत आता था वो मैंने उसको बता दिया फोटोग्राफी के बारे में जो मैं जानता था। तो मे बी उसकी 100% जो उसने किया उसमें से 1% जा करके मैंने उसको बता दिया कि देख भाई मेरे को इतना पता है फोटोग्राफी के बारे में, तेरे साथ में बैठ करके 3 महीने 6 महीने मैं तेरे को इतना बता सकता हूँ। उसके बाद में हुआ क्या, मेरा दिमाग कह रहा था कि वो नहीं कर पाएगा, मेरा दिल कह रहा था कि वो कर जाएगा, और दिल से दिल का ऐसा कनेक्शन बना कि उसके दिल से भी आवाज़ आई कि वो कर जाएगा। और मैं जब भी उसको बोलता था बैठ करके, मैं दिल से बोलता था, मैं कहता था भाई एक दिन ऐसा आएगा तू देखियो जब तू सिर्फ इंडिया के नहीं वर्ल्ड के सबसे बेस्ट फोटोग्राफर्स में से एक होगा, वर्ल्ड के, और ज़्यादा टाइम नहीं लगने वाला, तू ये मत सोच के 50 साल की एज में होगा जैसा होता है नॉर्मली, अगले 5 साल के अंदर अंदर, अगले 6 साल के अंदर अंदर तू वहाँ होगा, लोग तेरे को देख करके कहेंगे कि हाँ यार आई वॉन्ट टू बी समबडी लाइक हिम। अ फोटोग्राफर जहाँ तक मैं भी नहीं पहुँच सकता, जहाँ तक मैं सोच भी नहीं सकता पहुँचने की, तू वहाँ पहुँचेगा। मैंने झूठ बोल दिया उसको, क्योंकि मेरा दिमाग नहीं कह रहा था, दिल कह रहा था, झूठ बोल दिया मैंने उसको। उसने उस झूठ को सच मान लिया और उसके दिल से आवाज़ आई, उसके दिल के अंदर कहीं ना कहीं एक भरोसा आ गया, एक विश्वास आ गया, एक बिलीफ आ गया, फेथ आ गया कि अगर भाई कह रहा है तो सही होगा। उसने मान लिया मेरे उस झूठ को, सच मान लिया, और उसने अपनी पूरी जान लगा दी, दिमाग, चाहे अगर वो भी अपना लगाता उस टाइम पे, उसका भी दिमाग यही बोल रहा होगा आई एम 100% श्योर, मैंने कभी उससे पूछा नहीं, अभी पूछता हूँ यहाँ पर बुला करके, बट आई एम 100% श्योर उसका भी दिमाग कह रहा होगा यार ये कैसे होगा। जब मुझे भी ये लग रहा था तो आई एम श्योर उसको भी यही लग रहा होगा,
लेकिन दिल में इतना जबरदस्त फेथ था, इतना जबरदस्त बिलीफ था, विच वॉज अनइमेजिनेबल, और वो मिरेकल हो गया। आज वो सिर्फ इंडिया का नहीं, वर्ल्ड के सबसे अच्छे फोटोग्राफर्स में से एक है।